दुनिया के ताकतवर देश अमरीका विच करोना वायरस का कहर अजे भी जारी है। बीते 24 घंटे विच अमरीका विच 532 लोगों की करोना कारण मौत हो चुकी है, जिस तो बाद के देश विच कुल मौतों की गिनती 98,218 के अंकड़े नू पार कर गई है ते 1,00,000 के बेहद ही करीब पहुंच चुकी है। उधर रिपोर्टर के अनुसार अमरीका विच हुण तक 16,00,000 तो भी ज़्यादा लोग इस वायरस तो प्रभावित हो चुके ने। एक पासे अमरीका विच करोना वायरस अपना कहर ढा रहा है, उत्थे ही ट्रंप वालों अमरीका देश नू खोलन लई काम शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वालों स्टेटां नू कहा गया है कि वह अपने स्टेटां विच छुट देनिया शुरू करन ते बाजार चर्च खोलना शुरू करन। इस तो इलावा डोनाल्ड ट्रंप वालों चेतावनी भी दिती गई है कि जेकर कोल स्टेट अजिहा नहीं करते तो वह खुद राष्ट्रपति की ताकत की वरतों करके इस नू खोलन की आग्या देंगे। इस दे नाल ही ट्रंप वालों नॉर्थ कैरोलीना के गवर्नर नू खास तौर पर चेतावनी दिती गई है। दरअसल कैरोलीना विच कुछ समय बाद रिपब्लिक पार्टी का कन्वैक्शन होना है। दस दईए यह ओही प्रोग्राम है जिथे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप नू रिपब्लिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनिया जाना है। इसलिए हुण ट्रंप दे वलों यह चेतावनी दिती गई है कि जेकर स्टेटां विच सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश नू जल्द नहीं हटाया गया तो वह एक्शन लैणगे ते स्टेटां विचले प्रोग्राम भी रद्द करनगे। अजिहे विच हुण एक बार फिर फैडरल ते स्टेटां दीआं सरकारां विच आर पार की लड़ाई है।